नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के बैनर तले कुर्मी संध्या का आयोजन किया गया। सामाजिक एकजुटता के लिए दिल्ली में जुटे हजारों कुर्मी समाज के लोग। देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे कुर्मी समाज के लोगों के बीच एकजुटता की भावना पैदा कर उन्हें एक सूत्र में पिरोने के लिए रविवार को दिल्ली में कुर्मी संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य कुर्मी समाज के लोगों के बीच अखिल भारतीय स्तर पर रोटी बेटी का रिश्ता कायम करने का प्रयास करना था। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के बैनर तले दिल्ली के नजफगढ़ में किया गया। कार्यक्रम में कुर्मी समाज से जुड़े अनेक राजनीतिक व सामाजिक हस्तियों ने अपनी भागीदारी दर्शाते हुए समाज के लोगों को प्रेरित किया। सामाजिक एकजुटता के लिए आयोजित कार्यक्रम में हजारों कुर्मी समाज के लोगों ने अपनी भागीदारी दर्शाई। जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूँ नजफगढ़ दिल्ली में, जहाँ पर कुर्मी संध्या का सम्मेलन चल रहा है और यहाँ पे सांसद जी पहुँचे हैं, विजय बघेल जी। विजय बघेल जी, क्या संदेश दिया है आज आपने समारोह में? देखिए, हमारे हिंदू धर्म में सामाजिक जो संगठन है उसका बड़ा महत्व है और उसी भावना को लेके हमारे कुर्मी समाज, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज वंशज रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़ से, ऐसे एक अनेक गुणधन्य लोग हमारे इस समाज को सींचे हैं, इसको विकसित किए हैं। उस समाज को हम संगठित रखें, सुरक्षित रखें और इसी भावना से हमारा ये राष्ट्रीय कुर्मी महासभा पूरे राष्ट्र में कुर्मी समाज को एक करने में माननीय एल पी पटेल जी के नेतृत्व में लगे हैं, जिनको आपने सुना। और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी श्रीमती लता ऋषि चंद्राकर जी हैं। हमारे युवा तुर्क युवा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय भाई धीरज पाटीदार जी, जो राजस्थान से हैं। और हम सब ने एक संकल्प लिया है कि अनेक उपजातियों में बटे हमारे कुर्मी समाज एक हो। सबसे बड़ी बात होती है रोटी बेटी का रिश्ता। जब रोटी बेटी का रिश्ता होता है तब प्रगाढ़ होता है, आचार विचार मिलते हैं, सामाजिक समरसता बनती है और उस भाव के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और दिल्ली प्रदेश के इस कुर्मी समाज के महाअधिवेशन में आज हम लोग कुर्मी संध्या के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। सर, युवा वर्ग जो भटक रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि नशे की लत की ओर जा रहे हैं युवा? देखिए, हमारे समाज में हम लोग प्रतिबंधित रखते हैं नशा को और हमारा समाज ज़्यादातर नशे की ओर नहीं भागता। हम लोग खुद ही ये महसूस करते हैं और अनेक संगठन जो बने, जैसे युवा संगठन है, महिला संगठन है, अनेक और प्रकोष्ठ बने, उसके माध्यम से हम लोग समाज को निरंतर इसके लिए सचेत करते रहते हैं कि हम अपने व्यापार को भी एक दूसरे से जोड़ें। अनेक राज्यों में जो अनेक प्रकार के व्यवसाय हैं उसको एक दूसरे राज्य से जोड़ें, जो आचार विचार है वो एक दूसरे से जोड़ें। लोगों के पास नशे के लिए समय ना हो, इतनी व्यस्त हो जाए, इतने व्यस्तता में अपना जीवन जिए युवा वर्ग भी, कि उनके लिए व्यवसाय हम लोग उपलब्ध कराएं। तो ये इस भावना के साथ हमारा संगठन आगे बढ़ रहा है और हमारे युवा नशे की ओर जो खाली रहेगा, जिनके पास कुछ काम नहीं रहेगा, जो परेशान रहेगा, हताश रहेगा, वही नशे की ओर जाता है। तो हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। अभी कुर्मी समाज के संगठन मतलब इतनी मजबूत हो चुकी है कि लगभग 67 सांसद हमारे लोकसभा में हैं, इसी तरह राज्यसभा में भी, और 5 राज्य में हमारे समाज के कुर्मी समाज के मुख्यमंत्री हैं, आंध्रा में, छत्तीसगढ़ में और बिहार में, गुजरात में और गोवा में। इसी तरह 2 राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में माननीय महामहिम आनंदी बेन जी और झारखंड में महामहिम रमेश बैस जी, 2 कुर्मी समाज के हमारे राज्यपाल भी हैं। ये हमारे समाज को जो सम्मान राजनीतिक पार्टियों ने भी दिया है, ये संगठन के बल पे है। मेरा नाम एलपी पटेल है और मैं अखिल भारतीय कुर्म क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ 2008 से और आज तक। और हम लोगों ने महासभा के माध्यम से पूरे देश के 24 राज्यों में, जहाँ भी हमारा समाज जिस कोने में जिस जिला में रहता हो, उसको हम लोगों ने जा करके और समाज के बारे में एक एक साथ काम करने के लिए, एक छत के नीचे आने के लिए
हम लोगों ने उनको आगे लाए हैं और आज हम ये कह सकते हैं गर्व के साथ कि आज पूरे देश का जो हमारा समाज है वो चाहे जिस रोज केरल से हो और चाहे वो आपका आप कश्मीर का हो और चाहे महाराष्ट्र का हो और चाहे वो वेस्ट बंगाल का आसाम का हो, हर क्षेत्र का जो हमारा समाज है वो एक मंच के नीचे आ चुका है। अब आगे की आवश्यकता ये है कि हम उनको एक तरह से जोड़ के रखें। आज का ये जो कार्यक्रम है उसी संदर्भ में एक कड़ी है कि हम अपने को जितने, क्योंकि हर समाज में अलग अलग फिरके होते हैं, फिर कोई एक दूसरे से शादी ब्याह भी नहीं करते, लेकिन ऐसी बात अब नहीं है। अब धीरे धीरे हर फिरके जो है ना वो अपने समाज के जुड़ गए हैं, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे गुजरात का हो और चाहे वो आपका वेस्ट बंगाल का हो, ठीक है ना, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, ये सब एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। और वो एक जितना भी है उसके पीछे हमारा एक नारा महासभा का कि फिरका परस्ती तोड़ो, क्षेत्रीयता की बात छोड़ो और एक राज्य से दूसरे राज्य में रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ो। और ये रोटी बेटी का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो पूरे समाज को एकजुट करने में मदद करता है और आज नहीं आगे पर्यंत तक मदद करता जाता है। नाम और परिचय बता दीजिए। मैं श्रीमती लता ऋषि चंद्राकर, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा। कहाँ से आई हैं? मैं छत्तीसगढ़ भिलाई नगर दुर्ग जिला से आई हूँ, जहाँ जी सांसद जी रहते हैं वहीं से आई हूँ। और अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा महिला प्रकोष्ठ द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सुरक्षा, सम्मान, इन दिशाओं पे महिलाओं के लिए पूरे ऑल इंडिया में हमारे महिला संगठन काम कर रही है। क्या नाम है अपने? मेरा नाम धीरज पाटीदार है। मैं अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा में राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के पद पर मनोनीत हूँ और मूलतः झालावाड़ राजस्थान का निवासी हूँ। क्या संदेश दिया है आज हमने? इस कुर्मी संज्ञा के माध्यम से हमने सभी जो यहाँ 14 फिरके हैं दिल्ली में, उन फिरकों को हमारा ये संदेश है कि आप एकजुट रहें और एकजुटता का संदेश दें ताकि भारतवर्ष में जो भी हमारे कुर्मी समाज के समाज बंधु है वो इस माध्यम से वो भी कुछ सीखे और एकजुट रहें। डॉक्टर साहब अभी पहुँचे सर, कितने कहाँ कहाँ से लोग आए हैं सम्मेलन? नमस्कार, धन्यवाद जसवाल साहब, आर के जसवाल साहब, आप काफ़ी दूर से 40 किलोमीटर दूर से हमारे लिए कवरेज के लिए आप आए हैं और आपका सहयोग सामाजिक कार्यक्रम में काफ़ी रहता है। मैं डॉक्टर संजीव कुमार, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय संघ में कन्वेनर हूं और मैं एक सिपाही भी हूं, जो सोचता रहता हूं 24 घंटा मेरे दिमाग में रहता है कि लोग का कैसे उत्थान हो, बेटी रोटी का कैसे रिश्ता बने, लोग शादी दहेज मुक्त कैसे ज़िंदगी बने। और मैडम भी लता ऋषि जी और एलपी पटेल साहब, ये लोग सब 24 घंटा 24/7 फॉर फुल ईयर रेडी रहते हैं। जहां पर आप बुलाएं ही विल बी रेडी, दे विल बी रेडी, द ग्रुप रेडी। और इनके संध्या के माध्यम से है कि यहां पर 10 से 12 लाख कुर्मी परिवार दिल्ली में निवास करते हैं, उनको अपना अधिकार दिलाने के लिए बघेल साहब ने भी बताया डिटेल सारे चीज़ लोगों ने बताया, अपना अधिकार दिलाना, अपना समाज में सम्मान दिलाना और लोगों को आईएएस आईपीएस की तैयारी कराना और सामाजिक आर्थिक ब्यूरोक्रेसी में अपना नाम स्थापित करना। धन्यवाद। दहेज मुक्त हो और हम लोग आगे बढ़ें पढ़ाई लिखाई में भी, इस पर ध्यान दें, समाज में यही चाहते हैं। यहाँ पर लोग आए, यहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली, ये सभी 22 फिरके के लोग यहाँ आए हुए हैं अभी, और साउथ से भी कुछ लोग आए हुए हैं, तमिलनाडु केरला, वहाँ से भी 2-3 फिरके के लोग आए हुए हैं, तमिलनाडु से भी आए हुए हैं। और यहाँ एक हम अभी इस मंच पे अभी 22 फिरके के लोग आए हैं, जो कुर्मी जाति के लोग जानते हैं, गंगवार, सचान, कटियार, शर्मा, जो भी वर्मा, ये कुर्मी फिरके के लोग हैं हम लोग। तो 22 फिरके के लोग हम लोग अभी दिल्ली में एकत्र हुए हैं। कोशिश ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा 27 या 32 फिरके में हैं, तो सोच रहे हैं कि सब एक मंच पर हम लोग आएँ, और आ गए हैं मंच पर, और अगले साल कोशिश कर रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत अभी कम लोग आए हैं उसे ज़्यादा विशेष कोशिश कर रहे हैं कि आ जाएं।
मेरा नाम आर एन राय है और मैं दिल्ली में पटेल मैत्री समिति है उसका महासचिव हूँ कई वर्षों से, और ऑल इंडिया में अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्र महासभा जिसके अंतर्गत ये प्रोग्राम हो रहा है उसका मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ, और भी सामाजिक कई संस्थाएं हैं दिल्ली में जिसके साथ में जुड़ा हूँ। इस तरह के प्रोग्राम से समाज में क्या संदेश जाएगा? एकजुटता का संदेश जाता है। यहाँ पर हम करीब 14 लाख कुर्मी हैं, लेकिन जब पहले हम 1981 से जब मैं दिल्ली में आया तो कई कुर्मी समाज के मीटिंग में जाता था, मुश्किल से 50-60 आदमी 100-150 आदमी मिलता था, लेकिन जब से हम लोगों ने अपना ये संगठन बनाया है तब से जो है अभी 2017 में मैंने मलंकार हॉल में प्रोग्राम किया था तो करीब 2,500 कुर्मी आए थे, और अभी नगरी में किया था पीछे 2018 में तो करीब लगभग 5,000 कुर्मी आए थे। अब हमारा विचार है इसके बाद बीच में कोरोना आ गया था तो ये तालकटोरा स्टेडियम में 10,000 कुर्मी को इकट्ठा करने का विचार है कि जो हमारा सभी कुर्मी इकट्ठा हो जिससे कि राजनीति पकड़ या हर तरह का किसी भी काम में सहयोग जो है से इसमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, तो कोई ना कोई रूप में उन लोगों का सहयोग होता है। जो मेघावी छात्र है उसको हमारी संस्था मदद करती है, जिनकी शादियाँ नहीं होती हैं उनकी शादी में हम लोग करवाते हैं। अभी वरवधु सम्मेलन था 25 फरवरी को, हमारे डॉक्टर संजीव जी, सत्येंद्र जी, डॉक्टर सुरेंद्र जी, यहाँ से हम 16 आदमी हम लोग वहाँ पर गए थे अहमदाबाद गुजरात में, अवधेश जी भी गए थे और 4 लड़कियाँ गई थी। पहले भी 2 लड़कियों की शादी हम लोगों ने बिना दहेज का जो है करवाया था, तो हम लोगों का ये चल रहा है कि यहाँ भी वरवधु सम्मेलन हम दिल्ली में करेंगे जो कि बिना दहेज का शादी यहाँ लड़कियों का जिनके पिता दहेज नहीं दे पाते हैं वो हम करवाएंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।